तो हम लोग आज सीखेंगे किस प्रकार से एंड की कंडीशंस, एंड की कंडीशंस और की कंडीशंस में डिफरेंस क्या है और कैसे इनका यूटिलाइज किया जा सकता है। आइए हम समझते हैं, इसको हम बोल्ड कर देते ताकि हम अच्छे से। मैंने यहां पे लिख दिया है मेल, यहां लिखा मैंने फीमेल। मैं सिस्टम को ऐसे करके यहां पे ये ज्वाइन करता हूं, मिलाता हूं और सिस्टम क्या करता है उतने लगभग लगभग उनको कॉपी करता है। मैं यहां पे एज डाल देता हूं 18, 25, 28, 33, 32, 35, 44, 15, 18, 28, 44, 54, 54 और 43। ये मैं यहां पे इनकी एज जो है मैंने डाल दिया। बड़ा सा सीधा फंडा है कि बगैर कुछ कंडीशंस लगाए भी आप सिस्टम से कोई क्वेश्चंस पूछोगे तो वो आपको आंसर दे सकता है, लेकिन ट्रू और फॉल्स में, केवल ट्रू और फॉल्स में ही आंसर देगा। यहां पे हमको पूछना है कि भाई ये लिस्ट जो मैंने बनाई है 14 लोगों की, इनको 1000 के लेवल में लेके समझना। आप हमको चाहिए केवल मेल, तो आप स्कल टू करोगे, इसे क्लिक करोगे, बोलोगे ये बराबर मेल होना चाहिए। क्या यहाँ पर मेल है तो बताया गया है यहाँ पे मेल है, और जैसे आप यहाँ पे इसे ड्रॉ करते हो नीचे की तो फाल्स, क्योंकि वहाँ फीमेल है। तो ऐसे भी छोटा सा फार्मूला आप चाहे तो यूज कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा हम आपको एंड के बारे में समझा रहा हूं। एंड जो फार्मूला है किसी एक क्वेश्चन का आंसर दे सकता है, वैसे तो ये 255 क्वेश्चन के आंसर दे सकते हैं, 250 के आसपास आप इनसे कोई चीज पूछ सकते हो, लेकिन कोई एक चीज पूछनी पड़ेगी इनसे। जैसे कि मान लो हम एक कंपनी है, जैसे हम खुद ही रेलवे की बहुत बड़ी कंपनी है और हमें काम के लिए वर्कर चाहिए, तो हम लोग क्या कर रहे हैं कि हमें केवल मेल ही चाहिए, हमें फीमेल नहीं चाहिए, हमें केवल मेल ही चाहिए, लेकिन बशर्ते वो 30 से ऊपर का होना चाहिए, 30 की एज होनी चाहिए या उससे ऊपर हो पर मेल होना चाहिए। हम इसे एक ही चीज मांग रहे हैं, क्या मांग रहे हैं, 30 के ऊपर होना चाहिए, मेल होना चाहिए, मेल होना चाहिए, लेकिन 30 या 30 से ऊपर है ना। तो हम इसको बोलेंगे सिस्टम को बराबर एंड, कैपिटल स्मॉल से कोई मतलब नहीं है, फिर आपने ब्रैकेट्स लगाया, ब्रैकेट के बीच में आप चले गए और आपने ये क्लिक किया यहां पे, ये बराबर मेल होना चाहिए, आपने बराबर एंड ब्रैकेट के अंदर A3 बराबर होना चाहिए मेल पे ब्रैकेट के अंदर डबल सेम डबल इनवर्टेड कॉमा के अंदर, और एज ग्रेटर देन इक्वल टू, मतलब बड़ा होना चाहिए उसके बराबर होना चाहिए, किसके, 30 के, 30 के बराबर हो या उससे बड़ा हो, पीछे से अगर आप समझोगे समझ में आएगा, 30 के बराबर हो या उससे बड़ा हो B3, तो मैं इस व्यक्ति को अपने नौकरी पे सिलेक्शन कर लूंगा। इंटर दबाता हूं, इसका नहीं कर रहा है, रीजन क्या बता सकते हो, 30 के नीचे, बिल्कुल सही, फीमेल तो रखेगा ही नहीं पहली बात, अगर मैं फीमेल को 34 कर देता हूं तो भी नहीं रखेगा, 25 की तो बात ही दूर है। अब मैं इसको नीचे कर्सर करता हूं, तो अब ये बताओ शिवम कि इसको क्यों रखा है, ट्रू क्यों बताया, ये 30 के ऊपर, बिल्कुल, और मेल है, जबकि ये 45 की महिला इसे फाल्स बताया, तो आप इसे समझ सकते हो ना कि आप इस प्रकार से सॉर्ट आउट कर सकते हो। लेकिन इसने केवल एक ही क्वेश्चन का आंसर दिया है, केवल लड़के को ही चाहिए और 30 या 30 से ऊपर हो। अब यहां पे और का डिफरेंस देखो आप, और क्या करता है, कभी आपने एग्जाम दिया होगा पेपर में तो पूछा होगा क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर, हम 5 ही नंबर देंगे, आप बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, अथवा इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, अथवा इस क्वेश्चन का आंसर क्या, अथवा ये ना बने तो, उसने हमको 5 ऑप्शंस दिए, लेकिन वो बोल रहा 5 ऑप्शन दे रहा हूं लेकिन करना आपको एक ही है, नंबर आपको एक ही मिलेगा,
इस प्रकार से और क्या करेगा, ज्यादा क्वेश्चंस को समझ के आपको आंसर देगा। अब देखना, हमारी कंपनी को मेल तो चाहिए ही, लेकिन 30 के ऊपर जो हो मुझे वो भी चाहिए। मेल या फीमेल, मेल अगर वो है तो मैं नौकरी पे रख ही लूंगा, 18 के ऊपर ही होगा वो, मैं रख ही लूंगा। लेकिन अगर महिला आती है, अगर 30 या 30 के ऊपर को, तभी मैं रखूंगा। मेल तो मैं रख ही लूंगा। क्या समझे क्वेश्चन, क्या समझे? मेल को रखना ही रखना है, और अगर फीमेल होती है तो कंडीशन है क्या, 30 के ऊपर, 30 या 30 के ऊपर। चलो हम लोग इस पे और पे करके देखते, बराबर और ब्रैकेट के अंदर चले गए, फिर वही फंक्शंस। ये जो है मेल जो है रखना ही रखना है, और एज जो है ग्रेटर देन स्कल टू 30, 30 से बड़ा होना चाहिए, 30 के बराबर हम उसे काम में रख लेंगे। चलो ठीक है, इसे देखिए ट्रू बताया, क्योंकि इसे ट्रू बताया, इसे उम्र नहीं देखा इस पे। आप देखो दोनों पे कंडीशन, देयर इज अ लॉट ऑफ डिफरेंस बिटवीन बोथ। एक कहता है एंड कहता है केवल लड़का ही चाहिए और 30 साल से ऊपर का चाहिए, तो ये वो व्यक्ति नहीं है। लेकिन ये कहता है आपको लड़का चाहिए इतना, तो लड़का यहाँ पे मौजूद है। अब लड़की की बात है, लड़की को कर दिया फाल्स। रीजन ये कि लड़की तो रखना नहीं है, लेकिन एक कंडीशन है, अगर वो 30 या 30 से ऊपर होती है तो मैं आपको दे दूंगा वो। ये तो ये दो चीज को बता रहा है, तो दोनों में डिफरेंस है ये, आप इसे डबल क्लिक कर सकते हो। तब आप समझ गए, इस मेल को तो रख ही लेगा वो, लेकिन फीमेल को क्यों रख रहा है, क्योंकि वो 30 साल से ऊपर है। तो आप इसको अगर आप जरा सा भी 29.5 भी कर दी ना, तो फाल्स बता देगा। इस प्रकार से एंड और फार्मूला को यूटिलाइज कर सकते हैं। अब मैं और के बारे में कुछ और जानकारी देना चाहता हूं कि कैसे वेब एप्लीकेशंस पे और फंक्शंस को इंपोर्ट करके, जब भी आप जैसे कि कोई एक शादी का जो है, एक शादी के लिए एक मैरिटल मैरिज वाली एक वेबसाइट है, उसमें एक लड़के को एक लड़की को एक लड़का चाहिए, तो परिवार वाले पहले लड़की की डिटेल्स को इनपुट करेंगे कि क्या करती है, कहाँ रहती है, क्या क्वालिफिकेशन, फेस कैसा है, विटिस कलर है, फेयर है, ब्लैक है, लंबाई चौड़ाई उसकी, हाइट, पूरा मेजरमेंट, उसकी पूरी बायोग्राफी, करंट पोजिशन, उसको अपलोड करेंगे किसमें, एक एप्लीकेशन पे। एप्लीकेशन उस चीज को क्या करता है, एक्सेल में एक्सपोर्ट कर देता है। अब क्या है कि एक लड़के को एक लड़की चाहिए, और तो वो क्या करता है, अपनी रिक्वायरमेंट को फिल करता है, मुझे इस एरिया की चाहिए, मुझे नीरज चाहिए, मुझे ये हाइट वाइट दुनियादारी की कमाई माई जो भी है, आप ऐसा करके आपने डाल दिया। तो वहां पे क्या होता है, जैसे आप बटन दबाते हो ना, और फार्मूला लग जाता है वहां पे, क्योंकि आपने कितने क्वेश्चन पूछे, आपने रिक्वायरमेंट नहीं बताए, आप सिस्टम को क्वेश्चन दे रहे हो कि भाई मेरे को इतने हाइट की चाहिए, ये उनके, तो वो सारी चीजों को मिलान किया, जैसे अपन ने दो चीजों को मिलान किया, लड़का भी होना चाहिए, 30 साल से ऊपर भी होना चाहिए, हमारी कंडीशंस को वो अप्लाई करता है, फिर वो दोनों को मैच करके आपके सामने बोलता है 17 रिजल्ट है सर आपकी फरमाइश के, वो हमारे फंक्शंस को यूटिलाइज करता है वो। तो इसलिए और फंक्शन जो है आगे चल के काम आता है। तो यहाँ पे आपको पसंद है हमारा चैनल, सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।